रुपौली है, कल अंतिम दिन है प्रचार का और बाय इलेक्शन में सब लोग जा रहे हैं प्रचार में, तो हम भी प्रचार में जा रहे हैं और अपनी बात को जो है वहाँ रखेंगे। लेकिन जिस प्रकार से पूरे देश में आप देखिएगा, बिहार खास तौर पर ये लगातार जो है 19वें दिन में 13वां पुल जो है लगभग गिरा है। आज भी मोतिहारी में जो है पुल गिरे हैं, इस पर सरकार गंभीर नहीं है। कभी भी कोई भी हादसा अगर होता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? और हमने स्पष्ट रूप से पहले भी कहा था कि ये बहुत ही गंभीर मसला है, गंभीर मामला है, लगातार पुल गिरे जा रहे हैं और इस पर सरकार प्रशासन एकदम चुप्पी साधी हुई है। ऐसा लगता है कि ये बहुत मामूली सी बात है और ये मतलब परंपरा बनती जा रही है। तो हम तो इस बात को लेकर के कई बार हम लोगों ने उठाया है, ख़ास तौर पे पुल गिरने का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे पेपर लीक का घोटाला हो, या आप देखिएगा जिस प्रकार से अपराध की सीमा जो है, बलात्कार, हत्या, लूट, अपराध जो है बढ़ता जा रहा है। कोई भी सत्ता में बैठा हुआ एक व्यक्ति नहीं है जो जिम्मेदारी लेकर के इस बात को बताने का काम करे। ये किस बात का डबल इंजन का सरकार है? ना बिहार के लिए कुछ हो रहा है, ना बात हो रही है। बिहार में जो है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा जा रहा है, पुल भी जो है वो गिर जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, अपराध बढ़ती जा रही है, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब बढ़ता जा रहा है। अब हम आप लोगों से पूछते हैं, बताइए कोई एक सब्जी का नाम बता दो जो 45 रुपए से कम हो, जो मिल रहा हो। एक सब्जी का नाम बताइए, गोभी का क्या भाव है बताइए, प्याज टमाटर का क्या भाव है, आलू का भाव बता दीजिए कितना है। तो ये पूरी तरीके से आप देखिएगा, पटना में आलू जो है 45 रुपए किलो मिल रहा है, ये सच्चाई है। तो इस पर कोई सरकार कोई देखने वाला नहीं, सारी चीज जो है 100 के पार चली जा रही है। कई सब्जियां जो 4-5 रुपए किलो आलू मिलता था, वो आज 45 रुपए किलो आलू मिल रहा है। तो गरीबों का डेली जो अन्न जो है पेट भरने के लिए, आप समझिए कि कितना बड़ा ये चल रहा। लेकिन इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, चुप्पी साधे हुए दिन रात हम लोगों को गाली देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किंग पिंग जो लोग हैं, इनको ये सरकार बचाने का काम करती है। कुछ होता है तो तेजस्वी का नाम लिया जाता है, लेकिन कुछ होना है नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं। खाली न्यूज़ को डाइवर्ट करना ही इनका काम है। बिहार को ना विशेष राज्य के दर्जा की अब कोई बात कर रहा है, कौन देगा बताओ? सत्ता में बैठे वही ना देंगे। शेड्यूल लाइन में जो हम लोगों ने 75% आरक्षण बढ़ाया, अब कौन देगा? अब तो यही लोग हैं, बगल वाले लोग हैं, उनको करना चाहिए, क्यों नहीं कर रहे भाई? कुछ स्पेशल पैकेज कुछ भी नहीं हो रहा। किस बात का डबल इंजन का सरकार? क्या विकास? और हमने कहा अगर मेरी गलती है तो आप बताओ ना, जो जो पुल गिरे हैं तो चैलेंज दिए थे, कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं हो रहा। दो दो मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री, अपना मंत्रिमंडल है, बताओ ना कौन से समय में इसकी स्वीकृति हुई थी, कब टेंडर हुआ था, कब इसका शिलान्यास उद्घाटन हुआ था, बता दे। दूध का दूध, पानी का पानी, हमको कोई जानकारी